हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काय अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एडिशन अबाकस एडिशन सीरीज में नेक्स्ट नंबर, दैट इज एडिशन विद नंबर 4। जल्दी जल्दी नंबर बढ़ा रहे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी एक वीडियो कंप्लीट कर सकें, ताकि आपको 9 तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। मीन वाइल प्रैक्टिस करते रहिए, विजुअलाइजेशन करते रहिए। जब हम मेन एडिशन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये, राइट। तो 5 + 4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमने सिर्फ 4 डायरेक्ट में क्या लिखा है, 5, 25, 35, 45, 85। क्यों नंबर नहीं है? जी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैल्यू तो है पर फिंगर्स नहीं है। आपने काउंटिंग की प्रैक्टिस की थी, जब आपने 1 बनाया तो 4 फिंगर्स नहीं दिख गए, 2 बनाया 4 फिंगर्स नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है। कब है? जब हम थंब यूज करते हैं, यानी कि 5 यूज करते हैं तो हमारे पास 4 फिंगर्स हैं। नहीं करते 5 तो नहीं है, क्योंकि और किसी भी नंबर के साथ हमारे पास 4 फिंगर्स नहीं दिखती हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास वैल्यू तो है पर हमें फिंगर्स नहीं दिख रही अपनी। तो हमें कैसे करना, वैल्यू है और फिंगर्स नहीं दिख रही, अलग कॉन्सेप्ट है, और वैल्यू ही नहीं है और फिंगर भी नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे हम आगे करेंगे, जैसे 7 + 4, तो ना ही इसमें 4 फिंगर्स है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो वैल्यू भी नहीं है और फिंगर्स भी नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सिर्फ थंब के साथ ही हम 4 ऐड डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 85 हो, 65 हो, 75 हो, सेम कॉन्सेप्ट, सिंपल। मेक 5, थंब आउट, ऐड 4, डायरेक्ट मेक्स 9, 5, 6, 7, 8, 9। ट्वेंटी फाइव प्लस फोर, टू अप, फाइव, टू इन द लेफ्ट हैंड, फाइव इन द राइट हैंड एंड 4, तो कितना हो गया हमारा 29। 35 + 4, थ्री एंड 5, कितना आ गया हमारा 3 and 5 एंड 4, कितना आ गया हमारा 39। 45 + 4, फोर आउट, 5 out, 4 in the left hand, 5 in the right hand, direct add 4, 49. 85 + 4, left hand 8, right hand 5, add 4 direct, 4 up, so it is 89. अब हमारे पास value है, यहां पे fingers हैं, वैल्यू है पर फिंगर्स नहीं विजुअलाइज हैं। मींस हम इसमें बना सकते हैं 3 + 4, हम सिंगल हैंड से कर सकते हैं पर फिंगर्स तो दिख नहीं रही। तो हम गए 5 से हेल्प मांगा हमने, तो 5 ने अपना सपोर्टर यूज किया कौन, 1। क्यों? क्योंकि 4 + 1 = 5 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट 5 हो गया, एड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट गेट एडेड, अपोजिट साइन -1, ठीक है। सो +5 - 1, सो 3 + 4, 3 है, 7 हम कर सकते हैं काउंट इसमें पर फिंगर्स नहीं दिख रहे, तो क्या करेंगे, +5 - 1, 3 + 5 - 1, 7। 12 + 4, लेफ्ट हैंड 1, राइट हैंड 2, +4, सो क्या करेंगे, +5 - 1, 12 + 5 - 1, 16। 24 + 4, 2 in the left hand, 4 in the right hand, add 4, so simple, same thing, +5 - 1, that is 28. 31 + 4, so 3 in the left hand, 1 in the right hand, +4 + 5 - 1, 35. +5 - 1, 35. Next, 83 + 4. So, 8 in the left hand, 3 in the right hand, +4 + 5 - 1, 87.
तो अब तक आपने देखा हमने क्या किया, पहले डायरेक्ट कर लिया, फिंगर्स थी पर दिख नहीं रही थी, वैल्यू थी वहां पर तो हमने प्लस फाइव यूज कर लिया। अब भाई हमारे पास फिंगर्स नहीं है तो हम गए बड़े भैया के पास, बड़े भैया हमारे 10। तो बड़े भैया ने क्या कहा, हमें भी हेल्पर चाहिए, इनका हेल्पर कौन हो गया, 6। क्यों, क्योंकि 6 + 4 = 10 होता है। देखिए क्यों कहने की आदत ना बहुत अच्छी होती है, खासकर बच्चों के साथ। बच्चे जितना क्यों करें उनका आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि उनका बेस बहुत मजबूत करता है। वरना जो आज आप बताएंगे अपने बच्चों को वो उनके दिमाग में हमेशा एक चिप की तरह चिपका रहेगा, राइट। तो -6 + 10, तो यहां पर 4 और 6 फ्रेंड क्यों है, क्योंकि 6 + 4 = 10 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 है, 10 और 4 के बीच का डिफरेंस 6 है, राइट। सो 7 + 4, अब हम आ गए 2 digits पे, 7 + 4, तो 7 तो है 4 नहीं है, तो क्या करेंगे, -6 5 in 1 down + 10, 7 + 4 5 in 1 down + 10, that is -6 + 10 = 11। +4 (left in 1, right hand 8) + 4, fingers nahi hai, so 5 in 1 down + 10 = 22। Next 29 + 4 (left hand 2, right hand 9) + 4, so kya karenge, -6 5 in 1 down + 10 = 33। +4 = 67, so कितना हमारे पास, 66 5 in 1 7 in the right hand, 6 in the left hand 7 in the right hand, +4 5 in 1 down + 10, that is -6 + 10, ना आ गया 71। +4 (7 and 9) + 4 नहीं है मेरे पास 4, क्या करेंगे, -6 + 10 कितना आ गया, 83। देखिए था ना बहुत सिंपल, ये वही चीज है। और आप देखेंगे, आप 2-3 वीडियो देखने के बाद आप खुद पैटर्न बना लेंगे, क्या क्या पैटर्न है क्या यहाँ पर। 5 के साथ 1 है क्योंकि 4 + 1 = 5 होता है, 10 के साथ 6 है क्योंकि 6 + 4 = 10 होता है। डायरेक्ट तो हम काउंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं जब वो K1 या K2 में होते हैं, तब से ही थोड़ा सा, जैसे ही वो 1 में आते हैं या K2 के लास्ट है तब भी आप ये स्टार्ट कर सकते हो। ये एज पर बच्चों के प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और वो कितने अच्छे ग्रेस्प करते हैं उस पर। उन्हें फोर्स मत कीजिए, फन वे में उन्हें बताइए, देखिए उन्हें बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हम सिर्फ लिखते हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट आप कोई बॉल्स या कोई भी टॉयस यूज करके भी उन्हें समझा सकते हैं, पेपर्स पे लिख के उनको समझा सकते हैं। पेपर्स की बॉल क्रम्बल करके रख दीजिए एंड देन यू कैन शो +5 - 1, तो वो धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे, वो बहुत जो छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चे फिंगर से ही करें, क्योंकि जब वो विजुअलाइजेशन करेंगे तो उन्हें बहुत ईजी हो जाएगा। और ये चीज हम टूल अबाकस पे भी यूज करते हैं, मैं अपने हर वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ कभी कभी, क्यों, क्योंकि इसको बहुत बेसिक ले लेते हैं बच्चे की, बहुत इजी है ये, लेकिन ये इजी चीज ही आपको आगे जाके हेल्प करेगी। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।